दोस्तों दो वकील अपने अपने मुवक्किल को लेकर के लड़ाई लड़ रहे होते हैं और काफी जद्दोजहद करने के बाद में जब एक वकील जीत जाता है और एक तरफा फैसला सुनाने को कहता है, तभी एक लेडीज दरोगा उठ करके कहती है कि जज साहब, ये जो आदमी कटघरे में खड़ा है ये मेरा पति है, ये एक बहुत ही बड़ा खूनी है और इसे फांसी की सजा होनी चाहिए या फिर इसे उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। ये मेरा पति है लेकिन मैं इसे देखना नहीं चाहती, मैं इसे अपनी नज़रों से देखना नहीं चाहती और ये मेरी नज़रों से दूर हो जाए, ये दुनिया से चला जाए तब जाकर के मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी। और कहती है कि जबकि मैं पेशे से एक दरोगा हूँ, अपने पति को नहीं देखना चाहती, मेरे पति को फांसी दे दो या फिर इसे उम्र कैद की सजा सुना दो, नहीं तो मैं ही इसे जान से मार दूंगी। दोस्तों कौन है ये लेडीज दरोगा जो अपने ही पति को फांसी की सजा दिलानी चाहती है, जो अपने ही पति को उम्र कैद की सजा सुनाने की गुहार कर रही हो? तो दोस्तों आइए जानते हैं कहानी को, और कहानी बहुत ही रोमांचक है और बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। दोस्तों ये बहुत ही सच्ची घटना है। तो दोस्तों लेकिन कहानी को पूरी तरह से जानने के लिए हमारे इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। दोस्तों ये कहानी प्रयागराज के एक छोटे से गांव की है, जहां पर एक आकाश नाम का लड़का बहुत ही अच्छा खासा पढ़ाई कर रहा होता है और बहुत ही सुंदर और बहुत ही संस्कारिक लड़का होता है। दोस्तों उसके बाद में जब वो अपनी इंटर की परीक्षा खत्म कर लेता है तो अपने माँ बाप से कहता है कि माँ, मैं अब आगे इलाहाबाद में जाकर के पढ़ाई करना चाहता हूँ। उसके माँ बाप उसको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में दाखिला करा देते हैं और वो लड़का इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने लगता है। दोस्तों आकाश पढ़ने में बहुत ही अच्छा है और दूर दूर तक उसका नाम हुआ करता है। ऐसे में दोस्तों वो जो आकाश होता है वो प्रयागराज यूनिवर्सिटी के बगल में ही एक रूम ले लेता है और उसी रूम में रहने लगता है और अपना खाना पीना बनाता है और खाता है और पढ़ाई करता है। दोस्तों कई साल बीत जाते हैं लेकिन आकाश की पढ़ाई जोरों में चलती रहती है। ऐसे में उसका बहुत ही कॉलेज में नाम हुआ करता है। दोस्तों उसके बाद में एक दिन की बात है, आकाश को अपने माँ बाप की याद सता रही होती है और सोचता है कि जा करके अपने माँ बाप से मिलाऊं, फिर प्रयागराज में आ करके पढ़ाई करूँगा। दोस्तों उसके बाद में आकाश जैसे ही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को छोड़ करके अपने घर आ रहा होता है, तभी उसे कोई गाड़ी नहीं मिल रही होती है और वो मजबूरी में एक रिक्शे को रोकता है। दोस्तों उसके बाद में वो लड़की रिक्शा रोक देती है। आकाश जैसे ही उस लड़की को देखता है तो उस लड़की को देखते ही रहता है, आकाश उसकी आंखों में खो जाता है और जैसे वो दुनिया को भूल चुका होता है, जैसे वो अपनी पढ़ाई को भूल चुका होता है, जैसे उसे ऐसा लगता है कि मानो आसमान से जन्नत की हूर उतर करके आई हो। दोस्तों उसके रूप को देखकर आकाश बहुत ही ज़्यादा उसकी आंखों में डूब जाता है और उसे घूर घूर करके देखने लगता है। लेकिन तभी वो लड़की कहती है कि भाई साहब क्या देख रहे हैं, आप बैठिए, मैं आपको तुम्हारे मंजिल तक पहुंचा करके आती हूँ। दोस्तों आकाश को उस रिक्शे वाली से मन ही मन प्यार हो जाता है और रिक्शे वाली को देखते ही रह जाता है। दोस्तों आकाश बगैर बात के बात करता है उस लड़की से, उस रिक्शे वाली से, और कहता है कि आप रिक्शा चला रही हैं और एक लड़की होकर के इस उम्र में आपको शोभा नहीं देता है। लेकिन वो कहती है कि भाई साहब क्या करूं, मेरी भी बहुत ही मजबूरी है, मैं आगे चल करके एक महिला होकर के भी मैं दरोगा बनना चाहती हूं, मेरे माँ बाप की इच्छा है और मैं चाहती हूं कि मैं एक दरोगा बनूं। दोस्तों उसके बाद में ये कहता है कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें पैसा नहीं देते हैं पढ़ाई करने के लिए, लेकिन ये कहती है कि मेरे माँ बाप बहुत ही गरीब है और मैं कहाँ से पढ़ाई कर पाऊँगी, इसलिए मैंने ये रिक्शा चुन लिया है कि मैं रिक्शा चलाऊँगी और रात को पढ़ाई करूँगी। दोस्तों उसके बाद में आकाश कहता है कि आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, मैं आपसे बात करके आपका मुश्किल हल कराना चाहता हूँ। और वो लड़की
अपना मोबाइल नंबर दे देती है। उसके बाद में दोस्तों जब उसका मंजिल आ जाता है तो वो लड़की रिक्शे वाली कहती है कि भाई साहब आपका चुंगी स्थान आ गया है, आप उतर जाइए। दोस्तों उसके बाद में आकाश उसके रिक्शे से जैसे ही ज़मीन पर उतरता है और आगे चलने लगता है तो वो मुड़ मुड़ करके उस रिक्शे वाली को देखने लगता है और उसे देखे बगैर रह ही नहीं पाता है। दोस्तों उसके बाद में जब ये बार बार मुड़ करके उस रिक्शे वाली को देखने लगता है तो वो रिक्शे वाली भी अपनी तरफ से एक हल्की सी मीठी सी प्यारी सी मुस्कान देती है और वो आकाश बहुत ही खुश हो जाता है, यानी कि उस रिक्शे वाली के तरफ से भी हरा सिग्नल का संकेत मिल जाता है। ऐसे में वो आकाश भी खुश हो जाता है और आगे की तरफ चलने लगता है। इधर ये रिक्शे वाली भी सोच रही होती है कि ये जो लड़का है काश मुझे इससे प्यार हो जाता। दोस्तों उसके बाद में जब आकाश अपने घर पर आता है तो अपने माँ बाप का पैर छूता है और कहता है कि माँ मैं आगे चल करके बहुत ही अच्छा IAS अधिकारी बनूंगा और मैं अपनी पढ़ाई को सफल बना लूंगा। दोस्तों उसके बाद में उसके माँ बाप भी बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि वाह बेटा तुम्हारी पढ़ाई पर हम लोगों को नाज है, मुझे ही क्या पूरे गांव को नाज है। दोस्तों उसके बाद में ऐसे ही जब रात हो जाती है तो वो अपना फोन उठाता है, रिक्शे वाले के पास फोन लगाता है। रिक्शे वाली भी रात में पढ़ाई कर रही होती है और कहती है कि हेलो कौन है आप, और वो कहता है कि मैं आकाश जो आपके रिक्शे पर बैठ करके चुंगी आया था। दोस्तों उसके बाद में इधर रिक्शे वाली के भी मन में खुशी के लड्डू फूटने लगते हैं और ये कहती है कि अब जब से नंबर ले गए हो अभी आपको ख्याल आया। उसके बाद में वो कहता है कि मैं सोच रहा था कि इत्मीनान से फ़ोन करूँगा जिससे आपको भी दिक्कत ना हो। ऐसे में वो पूछता है कि आपका क्या नाम है, मैं तो नाम पूछना ही भूल गया। दोस्तों वो कहती है कि मेरा नाम सुमन है और मैं प्रयागराज के शहर में ही मेरा ही एक रूम है और उसी रूम में मैं रहती हूँ और उस कमरे में रहती हूँ। दोस्तों उसके बाद में इन दोनों में बातचीत चलने लगती है, ऐसे में बात बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है और ये दोनों एक दूसरे से मिलने जुलने लगते हैं और रिक्शे वाली भी आकाश से बात करने लगती है। दोनों पढ़ाई के साथ साथ एक दूसरे से प्यार करने लगे होते हैं और प्यार इतना ज़्यादा परवान चढ़ जाता है कि आकाश उस रिक्शे वाले से कहता है कि देखिए सुमन मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन सुमन कहती है कि जब तक मैं दरोगा नहीं बन जाऊँगी तब तक के लिए मैं आपसे शादी नहीं कर सकती हूँ। लेकिन ये कहता है कि तुम दरोगा बनो तुम्हें कौन रोकता है, लेकिन हम शादी कर लेते हैं। दोस्तों उसके बाद में आकाश अपने घर फोन करता है लेकिन उसके घर वाले कहते हैं कि बेटा अभी तो मेरी इच्छा नहीं है जब तक तुम IAS अधिकारी ना बन जाओ। लेकिन ये कहता है कि माँ शादी के बाद भी लोग पढ़ते हैं और शादी के बाद भी लोग बड़े से बड़े पदवी पर पहुँचते हैं, इसमें क्या बुराई है। उसके बाद उसके माँ बाप कहते हैं कि बेटा जैसी तेरी इच्छा हो हम लोग तेरी इच्छा के अनुसार ही करेंगे, अगर तुम्हें यही मंजूर है तो हम तुम्हारी शादी करा देते हैं और तुम शादी करके अपना परिवार बसा लो और अपनी पढ़ाई में फिर भी लीन रहो और जो करने की इच्छा है उसे करते रहो। दोस्तों ऐसे में उसके माँ बाप कहते हैं कि बेटा लड़की किस खानदान की है और कौन से जाति की है वो सब बताओ। वो कहता है कि लड़की अपने ही जाति की है माँ, मैं शादी करना चाहता हूँ। उसके बाद में अगले ही दिन वो आकाश उस रिक्शे वाली को लाता है घर पे और कहता है कि माँ ये है लड़की। उस लड़की को देखकर उस रिक्शे वाली को देखकर उसके माँ बाप खुशी खुशी कहते हैं कि बेटा मुझे लड़की बहुत ही पसंद है और तुम इससे शादी कर लो। दोस्तों जब लड़की वाले के माँ बाप को मालूम पड़ता है तो वो भी कहते हैं कि ठीक है ये शादी हमें भी मंजूर है। दोस्तों उन दोनों की शादी हो जाती है और वो दोनों साथ साथ रहने लगते हैं। दोस्तों अब वो रिक्शा चलाने वाली सुमन रिक्शा नहीं चलाती है उसका पति आकाश कहता है कि देखो मैं तुम्हें रिक्शा नहीं चलाने दूंगा, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा और आज से सारी जिम्मेदारी आपकी हमारे ऊपर हो गई है। दोस्तों उसके बाद में ये कहता है कि मैं कुछ नहीं बन पाऊंगा, मुझे मंजूर है लेकिन मैं तुम्हें दरोगा बनाकर ही रहूंगा,
क्योंकि आकाश उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करने लगा था। दोस्तों उसके बाद में वो कहता है कि तुम दिन रात पढ़ाई करो, तुम्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। मैं अपने घर पर नहीं बताऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों वो कहता है कि मैं तुम्हें एक दरोगा बना करके रहूंगा, चाहे मैं आईएएस की पदवी पाऊं या नहीं पाऊं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वो सुमन रिक्शे वाली कहती है कि यदि आप अपनी मंजिल को नहीं पाएंगे तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन ये कहता है कि हम दोनों में से किसी एक को आगे बढ़ पाना है, क्योंकि इतने पैसे हैं नहीं कि दोनों एक साथ पढ़ाई कर सके। लेकिन दोस्तों वो कहती है कि मैं रिक्शा चला करके पढ़ाई कर लूँगी और आप अपने माँ बाप के पैसों से पढ़ाई करिए। लेकिन ये कहता है कि मैं तुम्हें रिक्शे चलाने नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे बाजारों में तुम्हें रिक्शा चलाते हुए देखना अच्छा नहीं लगता है। ऐसे में वो सुमन को कहता है कि एक सफाई कर्मी का वैकेंसी निकला है, अपना फॉर्म डाल देता हूँ, यदि लेटर आ गया तो मैं ज्वाइन पर हो जाऊंगा और उसके बाद में उससे जो पैसे आएंगे मैं उससे तुम्हारी पढ़ाई कराऊंगा। दोस्तों उसके बाद में आकाश सुमन रिक्शे वाली के प्यार में पागल हो जाता है और एक सफाई कर्मी के पद पर हो जाता है। सफाई कर्मी के पद पर होने के बाद भी वो उसे पढ़ाई कराता है। ऐसे में उसका ड्यूटी जब गांव में लग जाता है तो अपनी पत्नी को गांव लेकर आता है, और उसकी पत्नी को जब पढ़ाई में थोड़ा दिक्कत हो रही थी तो उसके बगल में ही एक कोचिंग क्लास चल रहा था, वहाँ पर वो कोचिंग करने के लिए कहती है, जहाँ पर एक शख्स कोचिंग कराता है। दोस्तों उसके बाद में जब वहाँ पर जाती है कोचिंग करने के लिए तो ये आकाश कहता है दिल लगा करके पढ़ाई करो, चाहे तुम जहाँ रहो, चाहे गांव में रहे चाहे गांव में रहो या फिर शहर में रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बस मन पढ़ाई में होना चाहिए। दोस्तों उसके बाद में जब उस कोचिंग क्लास में वो अपना कदम रखती है तो वहाँ का जो अध्यापक होता है और वो सुमन को देख करके कायल हो जाता है। दोस्तों वो अध्यापक अपने आपा खो बैठता है और सुमन की नज़रों में खो जाता है, क्योंकि सुमन ऐसी थी जिसे देख करके कोई भी मर्द आकर्षित हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद में इधर ये आकाश अपनी सफाई कर्मी की ड्यूटी को निभा रहा होता है और इधर अपनी सुमन को पढ़ाई करा रहा होता है। सुमन कोचिंग में पढ़ते पढ़ते सुमन उस अध्यापक को दिल दे बैठती है। सुमन को वो अध्यापक अपनी बातों में फंसा लेता है और उसे मोह लेता है। ऐसे में दोस्तों उसके बाद धीरे धीरे जब बात आगे बढ़ जाती है तो आकाश को भी कुछ पता नहीं होता है और इधर इन दोनों में प्यार हो जाता है, और वो अध्यापक सुमन को पैसे की लालच देने लगता है और कहता है कि सुमन तुम्हें जो चाहिए मैं वो ला करके हाजिर कर दूंगा। दोस्तों उसके बाद में सुमन धीरे धीरे उसकी तरफ खींची चली जाती है और आकाश की तरफ ध्यान कम देने लगती है। दोस्तों उसके बाद में आकाश भी जब ड्यूटी करके जब मजदूरी करके आता है तो उसे भी काफ़ी थकान होती है और वो सो जाता है। ऐसे में वो रात रात भर उस अध्यापक से बात करने लगती है। दोस्तों एक दिन आकाश के गांव में उसके जो मित्र होते हैं वो उस अध्यापक को आते हुए देख लेते हैं और बातचीत करते हुए देख लेते हैं, तो वो आकाश से कहते हैं कि आकाश तुम्हारी धर्मपत्नी के लक्षण, तुम्हारी धर्मपत्नी के चरित्र उस ठीक नहीं लग रहे हैं। वो उन लोगों के ऊपर भड़क जाता है और कहता है कि तुम लोगों की क्या मजाल है जो तुम हमारी पत्नी पर लांछन लगा सको। वो कहते हैं यार दोस्त हम तुम्हारे बचपन के जिगरी यार हैं, मुझे अपने ही दोस्त पर लांछन लगाना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ऐसा हो रहा है तुम्हारे घर में जो ये कोचिंग वाला अध्यापक है आता है और वो कहता है कि वो तो बहुत ही अच्छा अध्यापक है, मेरी उससे भी जान पहचान है और हमारे घर पर आता ही रहता है। दोस्तों ऐसे में जब वो नहीं मानता है तो वो लोग कहते हैं कि तुम्हें जल्द ही ऐसा मालूम पड़ जाएगा। ऐसे में जब काफ़ी समय बीत जाता है और उसका परीक्षा होने को होता है, आकाश उसे परीक्षा में ले जाता है और जब परीक्षा को पास करती है तो आकाश भी बहुत खुश हो जाता है और वो अब एक दरोगा के पद पर हो जाती है। उसे वर्दी मिलती है और उसका सोनभद्र इलाके में उसकी पोस्टिंग हो जाती है। दोस्तों जब सोनभद्र में उसकी पोस्टिंग हो जाती है तो वो बहुत ही खुश हो जाती है, और ऐसे में उसके बाद वो अध्यापक आता है उसके घर पे और कहता है कि आकाश
अरे यार अब तो खुशी के ठिकाने नहीं है, तुम्हारी पत्नी एक दरोगा हो गई है, अब तो पार्टी होनी चाहिए, इसके खुशी में जश्न होना चाहिए। दोस्तों उसके बाद में वो कहता है कि ठीक है आज रात को ही जश्न होगा। आकाश अपनी ड्यूटी को पूरी करके जब घर पे आता है तो उसकी पत्नी सारी तैयारी करके बैठी रहती है और फोन को उठा करके बात कर रही होती है, और फोन पे वही अध्यापक होता है जिससे सुमन प्यार करने लगी थी। सुमन उसे दिल दे बैठी थी और अपने सफाई करने वाले पति को ध्यान ही नहीं देना चाहती है। ऐसे में वो उसे प्यार भरी बातें कर रही होती है और आकाश छुप छुप करके उसे सुन लेता है और गुस्सा हो जाता है। अंदर जैसे ही पहुंचता है वो कहता है कि तुम सारी तैयारी कर ली हो, मैं जा करके थोड़ा अपने दोस्तों को बता देता हूँ। दोस्तों उसके बाद में अपने दोस्तों से जब मिलता है तो उससे सारी बातें बताता है। उसके दोस्त कहते हैं कि दोस्त मैं तुम्हारी खुशियों से खिलवाड़ नहीं करना चाहता था, जो सच्चाई थी मैं तुम्हें बताया था, उसके बाद में भी आज तुम्हें सच्चाई पता लग गई। दोस्तों ऐसे में वो लोग कहते हैं कि ठीक है आज मैं उस अध्यापक की खबर लूंगा। उस अध्यापक की खैर नहीं है और उन लोगों को एक चरी के खेत में बैठने को कहता है। दोस्तों उसके बाद में जब घर आता है और आकाश अपनी पत्नी से कहता है कि उसे जरा फोन लगाओ और बुलाओ और बढ़िया से उसका खातिरदारी किया जाएगा। दोस्तों सुमन रिक्शे वाली उस अध्यापक को जब फोन लगाती है तो कहती है कि खाना बनकर तैयार हो गया है और आप आ जाइए। जब वो अध्यापक उसके घर पर आता है और तो तीनों बड़े ही प्रेम पूर्वक बातचीत करते हैं और कुछ पता नहीं चलता है कि क्या होगा क्या नहीं। खाना पीना खाने के बाद में वो कहता है आकाश कि अपनी सुमन से, सुमन मैं इन्हें इनके घर छोड़ करके आता हूँ। दोस्तों उसके बाद में आकाश अपनी गाड़ी में बिठा करके उस अध्यापक को छोड़ने के लिए निकल पड़ता है और जैसे ही उस चरी के खेत में पहुँचता है तो वहीं पर गाड़ी रोक कर कहता है मुझे टॉयलेट लगी है, मैं टॉयलेट करके आता हूँ। दोस्तों गाड़ी रोक करके वो टॉयलेट करने लगता है और फिर उसके बाद में वहीं पर खड़े हो जाता है। तो वो अध्यापक कहता है कि अरे यार आकाश मुझे देर हो रही है और जल्दी चलो, और वो कहता है अब कहाँ जाना है क्योंकि आज की रात आखिरी रात है और तुम कल का सूरज नहीं देखोगे। दोस्तों इतने में होता है वो कहता है कि तेरी क्या मजाल है जो मुझे तू मार सके। ऐसे में दोस्तों दोनों में लड़ाई हो जाती है और तब वो आकाश चिल्लाकर कहता है अपने दोस्तों से कि अरे यार बाहर निकलो, अब तो बहुत ही मुश्किल है। सभी दोस्त उसके बाहर निकलते हैं और लड़ाई बहुत ही घमासान हो जाती है। ऐसे में उस अध्यापक को आकाश जान से मार देता है और कहता है साले मेरी धर्म पत्नी को फंसाया है और मेरी धर्म पत्नी से बात करता है साले। उसके बाद में उसकी जान लेकर के उसे चरी के खेत में ही फेंक देते हैं। दोस्तों ऐसे में 2-3 दिन के बाद जब चरी से बदबू आने लगती है तो पूरे गांव के लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं और उस अध्यापक की धर्म पत्नी भी आती है और देख करके रोने लगती है। ऐसे में पूरा गांव में हंगामा मच गया होता है और अफरी तफरी मची होती है। ऐसे में दोस्तों उसकी औरत चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि मेरा पति रात को लेकर गया है इस अध्यापक को और ये मेरा ही मेरे क्लास का टीचर है और हमारा पति ही इसका खून कर दिया है। दोस्तों इतना सुन करके आकाश को बहुत गुस्सा आता है और सब लोग भागने लगते हैं और ऐसे में सारे दोस्त उसके हिरासत में हो जाते हैं और आकाश भी गिरफ्त हो जाता है। ऐसे में ये बात कोर्ट तक जाती है तो कोर्ट में और सुमन दरोगा चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि जज साहब मेरे पति को फांसी दे दो और इनके सारे दोस्तों को फांसी दे दो। आकाश और उसके दोस्त थाने में बंद हो जाते हैं, जेल में बंद हो जाते हैं और उसके बाद में आकाश चिल्ला कर कहता है कि जज साहब जो किया है सब मैंने किया है, मेरे दोस्त कुछ नहीं किए हैं, इन्हें छोड़ दिया जाए। और सारी सच्चाई को जब कबूल करता है तो उसके सारे दोस्त रिहा हो जाते हैं और सारे दोस्त कहते हैं कि आकाश ये अच्छा नहीं किया तुमने, मुझे भी तुम्हारे साथ ही रहना है क्योंकि हमने भी जो किया है। उसके बाद में वो कहता है कि जज साहब जो किया है सब मैंने किया है, हमारे दोस्तों की कोई गलती नहीं है। ऐसे में दोस्त उसके रिहा हो जाते हैं और आकाश को उम्र कैद की सजा हो जाती है। दोस्तों ऐसे में आकाश नैनी के जेल में बंद हो जाता है और उस आकाश को बहुत ही ज़्यादा चिंता हो जाती है और वो सोचता है कि मेरी दुनिया तो उजड़ गई, मेरी दुनिया तो शमशान हो गई और मैं इस सुमन
दरोगा को नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद में नैनी जेल में ही एक जेलर से एक पुलिस कांस्टेबल से बात करता है और कहता है कि सर मुझे 24 घंटे के लिए क्या छोड़ दिया जाएगा, मुझे 24 घंटे के लिए मोहलत दे देते तो बहुत ही अच्छा होता। ऐसे में दोस्तों उसे 24 घंटे के लिए मोहलत मिलता नहीं है और एक पुलिस पैसे की बात में लालच में फंस करके कहता है कि मैं तुम्हें 12 घंटे के लिए निकाल सकता हूँ लेकिन उसके पहले तुम जेल में फिर आ जाना। ऐसे में दोस्तों वो कहता है कि ठीक है। किसी तरह वो पुलिस उसे उस आकाश को रात के समय में निकाल देता है। जेल से जैसे ही बाहर निकलता है तो दोस्तों उसके बाद में ये जो उसकी धर्मपत्नी दरोगा होती है यानी कि ये जो रिक्शे वाली सुमन होती है ये इसका घर छोड़ करके अपने मायके में चली जाती है और अपने माँ बाप से कहती है कि मैं दूसरी शादी करूँगी। ऐसे में दोस्तों वहाँ पर वो लेटी रहती है और आकाश जब जेल से निकलता है तो वो बहुत ही जल्दी जल्दी आ रहा होता है और उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय उसे सोचता है और सिवाय अपनी पत्नी के बारे में सोचता है। वो भाग करके अपने ससुराल जाता है और ससुराल में जैसे ही पहुंचता है देखता है कि उसकी पत्नी एक खटोले पर लेटी होती है और बहुत ही गहरी नींद में सो रही होती है। दोस्तों वो आकाश खटोले को उठाती है और आकाश देखता है कि वो खटोले पर लेटी रहती है और बहुत ही गहरी नींद में होती है। ऐसे में उसे जगाता है तो वो चौंक जाते हैं, कहते हैं कि तुम तो जेल में थे, तुम यहाँ कैसे आ गए। दोस्तों वो कहता है कि मैं जेल में फिर चला जाऊँगा, मेरे से केवल 5 मिनट बात कर लो, मैं तुमसे आखिरी बात करना चाहता था, मैं तुमसे आखिरी बातें करना चाहता हूँ, उसके बाद में फिर मैं चला जाऊँगा जहाँ से आया हूँ। दोस्तों ऐसे में ही बातचीत चलती रहती है लेकिन वो कहता है कि हाय रे सुमन, तुमने ठीक नहीं किया, मैंने तुम्हारे खातिर अपनी ज़िंदगी को जहन्नुम बना दिया, मैं IAS अधिकारी बनना चाहता था लेकिन तुम्हारे प्यार में पागल होकर के मैं क्या से क्या हो गया है। और कहता है कि तुम्हारी भी खैर नहीं, मैं उस अध्यापक को तो मार दिया, मुझे सुकून फिर भी नहीं है क्योंकि मैं तुम जैसी बेवफा पत्नी को जब तक नहीं मार दूंगा तब तक मुझे सुकून नहीं है, मुझे फांसी हो जाए मुझे मुश्किल नहीं है। ऐसे में दोस्तों वो कहते हैं तुम मुझे मारोगे, तुम्हारी ये मजाल है। उसके बाद में वो जैसे ही चिल्लाने की कोशिश करते हैं तभी आकाश उसके मुंह को दाब देता है और उसी खटोले पर उसके गर्दन को दबा करके मार देता है। जब उसकी जान ले लेता है वो खटोले के नीचे जमीन पर वो ऐसे ही लेट जाता है। दोस्तों जब सुबह होते तो खलबली मच जाती है और कहते हैं कि इसे जान से मार दो, इस आकाश को जान से मार दो, इसने उस अध्यापक को मारा था और आज इसने इस लड़की को मार दिया है। दोस्तों उसके बाद में वो कहता है मेरी एक बात सुन लो, फिर उसके बाद में मुझे मार दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि चाहे मुझे जमाना मार दे या चाहे मुझे कानून मार दे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मुझे मरना तो है ही। ऐसे में दोस्तों जब सारी बात को बताता है रो रो करके कहता है और कहता है कि मैं अपने माता और पिता का कसम खाता हूँ, मैं इससे अपने माता और पिता से ज़्यादा प्यार किया था और प्यार का सिलसिला इसने बहुत ही बुरी तरह से निभाया और ये हमारी ज़िंदगी को बेकार कर दिया। दोस्तों जब सारी बात को गांव वाले सुनते हैं तो सब दांतों तले उंगली दबाने लगते हैं और ऐसे में उसका जो ससुर होता है यानी कि उस रिक्शे वाली का जो बाप होता है, उस दरोगा महिला की जो बाप होता है, वो कहता है कि बारे आकाश मुझे तुम्हारे इस काम को देख करके फक्र है और वो उसके पीठ को थपथपाने लगता है और कहता है, चिल्ला चिल्ला कर कहने लगता है उसका ससुर की अब इसको कुछ हो नहीं सकता और मैं इसकी सज़ा कम से कम करवाने की मांग करूंगा और अपने इस दामाद को मैं बचा लूंगा। दोस्तों उसके बाद में वो कहता है कि इस लड़की के साथ में ऐसा ही होना चाहिए था। जब सारी बात को उसके ससुर जी सुनते हैं तो अपने दामाद को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। दोस्तों उसके बाद में जब पुलिस उसे ढूंढते हुए आती है तो वो भागता नहीं और कहता है कि सर अब मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, मुझे अब फांसी भी दे दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे में जब सारी बात को सुना जाता है तो ये बात फिर कोर्ट तक जाती है तो वहाँ से उसे 6 महीने की सज़ा मिलती है और उसके बाद में वो आकाश
हमेशा के लिए रिहा हो जाता है। उसके घर वाले कहते हैं कि बेटा तुम अपनी शादी कर लो, लेकिन आकाश कहता है कि माँ अब मुझे शादी विवाह नहीं करना है। और आकाश आज भी अपने गांव में साधु के जैसा रहता है और कुछ काम का नहीं होता है, और वो कोई काम नहीं करता है सिवाय उसे ज़िंदगी जीने की है और कुछ दुनियादारी से मतलब नहीं रहती है। तो दोस्तों ऐसी महिला को उसी वक्त गोली मार देना चाहिए था जिस वक्त वो उसे अदालत में ले जा करके चिल्ला चिल्ला करके फांसी की सजा सुनाने की गुहार कर रही होती है। दोस्तों ऐसी बेवफा पत्नी को उसी क्षण जान से मार देना चाहिए था, लेकिन आकाश भी क्या करे, आकाश भी मजबूर था। दोस्तों आकाश अपनी सारी कायनात को भूलकर उससे प्यार किया और अपनी करियर की बलिदानी दे करके उसके करियर को बनाया, लेकिन ये सुमन उसके साथ में बहुत ही बड़ी बेवफाई निभाई। तो दोस्तों लास्ट में आकाश ने भी बहुत ही अच्छा काम किया जो दोनों लोगों को मार दिया। तो ये थी हमारी कहानी। दोस्तों कहानी कैसी लगी? अगर कहानी जरा भी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं तब तक के लिए किसी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए सागर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।